विद्यार्थियों नमस्कार, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने ठोस, द्रव्य और गैस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं की कंपेरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का देखते हैं, चौथी अवस्था है पदार्थ की, और क्या नाम इसका, प्लाज्मा। तो देखिए प्लाज्मा, देखिए स्टूडेंट्स, जो ये प्लाज्मा अवस्था है पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, फोर्थ स्टेट, ठीक है। और इसके खोजकर्ता किसने इसको खोजा, वो थे सर विलियम क्रुक्स। कौन थे? सर विलियम क्रुक्स, ठीक है। कौन थे? सर विलियम क्रुक्स ने खोजा इसको। देखिए होता क्या है इसमें, प्लाज्मा अवस्था में, इसमें देखो क्या करते हैं, जो प्लाज्मा अवस्था कैसे बनती है पदार्थ की चौथी अवस्था, तो देखो क्या करते हैं, अपन एक पात्र लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, एक पात्र, ठीक है, इस प्रकार से, और इसमें डाल देते हैं सामान्य वायुमंडलीय गैस। क्या डाल दिया? सामान्य वायुमंडलीय कोई भी, ठीक है। और उसको सामान्य वायुमंडलीय गैस को क्या करेंगे, पहले तो देंगे ऊर्जा। क्या देंगे? ऊर्जा दे दिया, ठीक है, ऊर्जा दे के, और उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो गैस के कण हैं, पार्टिकल ऑफ गैस, वो क्या हो जाएंगे, आयनित। क्या हो जाएंगे? आयनित, आयनाइज्ड हो जाएंगे। अब जब आयनित होंगे तो ये क्या करेंगे, गति करेंगे, क्या करेंगे, गति, मोशन करेंगे। अब जब गति करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है, क्या होंगे, टकराएंगे। तो अब टकराएंगे तो ये उत्पन्न करेंगे चमक। इस चमक उत्पन्न करने की अवस्था को ही क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। फिर से बताऊं तो देखो, सामान्य वायुमंडलीय गैसों को पात्र में लेंगे, फिर उसको में ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, ऊर्जा प्रवाहित करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे, तो जो गैस के कण हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, ये आयनिक हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे, आयनित होंगे, और क्या करेंगे फिर, गति, ऊर्जा युक्त आयनित कण क्या करेंगे, गति करेंगे। अब गति करेंगे तो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, टक्कर करेंगे। अब आपस में टक्कर करेंगे तो एक चमक उत्पन्न होगी, क्या उत्पन्न होगी, एक चमक, और इस चमक को ही अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। तो ये हो गई अपनी प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। अब देखो प्लाज्मा अवस्था के कुछ क्या हैं उदाहरण, अच्छे उदाहरण हैं। देखो जो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो ये जो प्लाज्मा अवस्था है, इसके एग्जाम्पल्स में एक तो है क्या है, सूर्य है ना, जो अपना सन है सूर्य, ये सूर्य का चमकना भी क्या है, प्लाज्मा अवस्था का ही उदाहरण है, ठीक है। तो सूर्य का चमकना, ठीक है विद्यार्थियों, सूर्य का चमकना क्या है, प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण। इसी प्रकार क्या है, तारों का चमकना, किसका, तारों का चमकना, तारों का चमकना भी कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा। तारों का चमकना भी क्या है, प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है, ठीक है। ये दो हो गए, और इसी प्रकार जैसे एक होता है सोडियम लैंप, क्या होता है, सोडियम लैंप, तो सोडियम लैंप भी अपना किसका एग्जाम्पल है, प्लाज्मा स्टेट का ही उदाहरण है। इसी प्रकार हीलियम लैंप, इसी प्रकार क्या है, हीलियम लैंप, हीलियम लैंप भी किसका उदाहरण है, प्लाज्मा अवस्था का, ठीक है। इसी प्रकार एक है नियोन लैंप, नियोन लैंप, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये जो नियोन लैंप है, ये भी प्लाज्मा अवस्था का ही उदाहरण है। इसी प्रकार एक होता है आर्गन लैंप, क्या होता है, आर्गन लैंप। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गई अपनी क्या, प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, ये क्या हो गई, प्लाज्मा अवस्था। इसके बाद में पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसका नाम है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट,
ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, BEC, ठीक है। तो क्या है पांच व्यवस्था, बोस आइंस्टीन या आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट, ठीक है विद्यार्थियों, जिसको अपन बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए विद्यार्थियों पहले तो अपन देखेंगे कि इसकी खोज किसने की, ठीक है, पहली बार किसने देखा, तो इसकी जो खोज करता थे एक तो सत्येंद्रनाथ बोस और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, कौन थे खोज करता या पहली बार इसने बनाया वो कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे फिजिक्स, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है ना, और एक था अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या थे, जिसको गुरुजी कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है विद्यार्थियों। अब इसके बाद में तीन वैज्ञानिक हुए, तीन भौतिक वैज्ञानिक, ठीक है, और इन्होंने इसको दोबारा से खोजा, ठीक है, दोबारा से खोजा, वो थे कर्नेल, कौन थे, एक तो कर्नेल, एक था कैटरले, एक कौन था कैटरले, और एक था वीमैन, ठीक है, एक कौन था वीमैन। इन्होंने इनको दोबारा से खोजा, जिसके कारण 2001 का नोबल पुरस्कार, 2001 का नोबल पुरस्कार मिला इन्हें, ठीक है, किस पर, 2001 का नोबल पुरस्कार जीता इन्होंने, ठीक है, किस पर, ये जो BEC स्टेट पर इन्होंने 2001 का नोबल प्राइज जीता, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, BEC में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट है, इसमें होता क्या है, तो देखिए जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस आइंस्टीन संघनित अवस्था बोल सकते हैं, इसमें होता क्या है, तो देखिए विद्यार्थियों इसमें भी क्या करते हैं, अपन सामान्य वायुमंडलीय गैस लेते हैं, उनको पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ये सामान्य वायुमंडलीय गैस ले ली अपन, क्या ले ली, सामान्य वायुमंडलीय गैस ले ली, ठीक है, ठीक है, ले ली पात्र में। अब इसको क्या करते हैं, जो सामान्य वायुमंडलीय गैस है इसको क्या करते हैं, अतिशीतित, क्या करते हैं, अतिशीतित, सुपर कूल्ड करते हैं, क्या करते हैं इसको, अतिशीतित, ठीक है, क्या करेंगे, सुपर कूल्ड, ठीक है विद्यार्थियों। अब अतिशीतित या सुपर कूल्ड करेंगे तो उसके और अतिशीतित करके क्या करेंगे, इसका जो घनत्व है, क्या, डेंसिटी, जो घनत्व है इसको क्या करेंगे, 1/1,00,000 कर देंगे, क्या कर देंगे, एक घनत्व को 1/1,00,000 कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, देखिए सामान्य वायुमंडलीय गैस है, उसको पात्र में इकट्ठा करा और फिर उसको सुपर कूल्ड करा, सुपर कूल्ड करके घनत्व को क्या करते हैं, 1/1,00,000 कर देते हैं, और जिससे क्या बनती है, और जैसे ही ये कर देते हैं तो क्या बनती है, ये BEC स्टेट प्राप्त हो जाती है। तो BEC और जो प्लाज्मा है दोनों अवस्था किसे, गैसीय अवस्था से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के भी कुछ क्या हैं एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण हैं विद्यार्थियों, तो देखिए जो BEC स्टेट है उसका एग्जांपल, तो जो BEC स्टेट है उसका उदाहरण है एक तो सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर जिसको क्या बोलते हैं, अति चालक, क्या कहेंगे हिंदी में, अति चालक, तो अति चालक हैं वो BEC किस के ही क्या है एग्जांपल। इसी प्रकार क्या है, एक सुपर लिक्विड क्या बोलते हैं इसको, अति द्रव, क्या कहते हैं, अति द्रव, ठीक है विद्यार्थियों। तो सुपर कंडक्टर, सुपर लिक्विड, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, BEC स्टेट के, ठीक है। तो अब देखो क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी थी,
प्लाज्मा, जिसकी खोज किसने की थी? सर विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, अब सर विलियम क्रुक्स ने क्या करा था तो कि जो सामान्य वायुमंडलीय गैसें हैं उसको पात्र में इकट्ठा करके विद्युत धारा ना सॉरी ऊर्जा दी, फिर उसके बाद में विद्युत धारा प्रवाहित करी, जिसके कारण जो गैस के कण है वो आयनित हो जाते हैं और ये आयनित कण आपस में गति करके टक्कर करते हैं, जिससे चमक उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं अपन प्लाज्मा अवस्था। और इस प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल्स करे थे जो तारे और सूर्य, उसका चमकना क्या है प्लाज्मा एग्जाम्पल का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में है सोडियम लैंप, हीलियम लैंप, नियोन लैंप, आर्गन लैंप। ठीक है, अब इसके बाद में आई अपनी BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसकी खोजकर्ता थे सत्येंद्रनाथ बोस, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे, और एक अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, और इसका दोबारा से खोजा था किसने? कर्नेल कैटरले और विमेन ने, जिसके कारण इन्हें दोबारा मतलब जो 2001 का क्या था नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो सामान्य वायुमंडलीय गैस है उसको पात्र में इकट्ठा करो, ठीक है, फिर उसको सुपर कूल्ड करके और उसका जो घनत्व है डेंसिटी है उसको 1/1,00,000 कर दो, तो जो स्टेट प्राप्त होगी उसे क्या कहते हैं अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसके एग्जांपल थे क्या? सुपर कंडक्टर और सुपर लिक्विड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।